पीएम मोदी ने आज छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचने के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पीएम ने देश भर से जुटे बच्चों को तनाव से बचने के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में हरियाणा से भी 19 बच्चे शामिल हुए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये परीक्षाओं का वक्त है और ज्यादातर के लिए ये तनाव का वक्त भी है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को तनाव से दूर रखने के लिए परीक्षा पे चर्चा की और छात्रों को कुछ मंत्र भी दिए। तनाव से खुद को दूर रखने के लिए कुछ कारगर उपाय सुझाते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा अपनाए गए कुछ तरीके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सुझाए। पीएम ने दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2 में छात्रों के सवालों के जवाब में कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में बैटिंग या बॉलिंग शुरू करने से पहले बैट घुमाना या बॉल फेंकने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल ये उनके अपने तनाव को दूर करने का तरीका होता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे, दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डीमोटिवेशन का था। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ। लेकिन तब ए क्या आउट हो गए, देखो क्या है, ऐसा होता रहे। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस दिन पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए। मोदी ने छात्रों से परीक्षा में जाने से पहले अपने पेन कॉपी आदि ठीक से रखने की बात भी कही और कहा ऐसा करने से वो परीक्षा जनित तनाव से खुद को मुक्ति दे पाएंगे। इस कार्यक्रम का देश के सभी राज्यों समेत हरियाणा में भी सीधा प्रसारण किया गया। रेवाड़ी के सभी स्कूलों के हजारों बच्चों ने बड़े उत्साह से कार्यक्रम देखा और इसकी खूब सराहना की। रेवाड़ी के केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के बाद स्कूल की छात्राओं ने कहा यह कार्यक्रम देखकर उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने से पहले परीक्षाएं एक बोझ लगती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ये कार्यक्रम मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ हमारी परीक्षा पे जो चर्चा करी है, उसके वजह से हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडीज को लेके, वो हम उनसे डायरेक्ट कह पाए हैं, अपनी बातें उनके समक्ष रख पाए हैं और उनसे हमें बहुत मोटिवेट मिला है और उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए सलाह भी दी है। इस कार्यक्रम की स्कूल के प्रिंसिपल ने भी सराहना की। उनका कहना है इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को न केवल गाइडलाइन मिलेगी बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद में वे अपनी हर समस्या को साझा कर सकते हैं। इस प्रकार के आयोजन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि विद्यालय का एक बच्चा भी इस कार्यक्रम के में भाग लेने के लिए आज तालकटोरा में उपस्थित है, तो वो अपने अनुभव जब यहाँ आकर शेयर करेंगे तो बाकी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम होगा और वो भी आगे आने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है इससे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उनसे आह्वान कर रहे हैं कि परीक्षा एक त्योहार है और उनको एक नई दिशा देने का भी कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोहाना में भी बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा और प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान से सुना। ये जो हम आज हमारे लिए पीएम मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि इन स्टूडेंट्स आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, लेकिन हम उसको कैसे अपने लिए यूज़फुल कर सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम रोज़ के जो 10 वर्ड्स अपने इससे हम जो अपनी वोकैबुलरी है उसको भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। रोज़ गूगल से हम 10 वर्ड्स इंग्लिश टर्म के मीनिंग याद कर सकते हैं, जिससे हमारी जो डिक्शनरी भी है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस दौरान गोहाना में शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर उर्मिल बांगड़ ने भी गोहाना के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर प्रोग्राम देखा और कार्यक्रम के बाद कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से उन्हें और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है।
इसमें मोदी जी द्वारा यही बताया गया कि परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें, कोई टेंशन नहीं करनी, और परीक्षा एक मुकाम है, जिंदगी का पूरा वो नहीं है। हर बच्चा जहाँ भी जिस भी मुकाम पे मेहनत करता है, जिस भी फील्ड में मेहनत करता है, वो सक्सेस हो जाता है। इसको किसी चीज़ का तनाव लेके ना चले। और जब आदमी कोई मेहनत करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसे असफल भी होना पड़ता है, लेकिन असफल होना कोई ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो। इसका मतलब उसके लिए और दरवाजे खुल गए हैं और वो उसके अंदर मेहनत। आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा का तीसरा सत्र दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां देश भर के करीब 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें 1050 छात्रों का चयन निबंध प्रतियोगिता के जरिए किया गया था। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 260,000 आवेदन देश भर से मिले थे। रेवाड़ी से श्याम बाठला और गोहारा से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।